सॉरी, 2-3 दिनों से आपको हिंदू का लेक्चर नहीं मिला था। कुछ घर के आसपास कोरोना के पेशेंट आ गए थे, कुछ कंटेनमेंट जोन बन गए थे और कुछ हेल्थ के इश्यूज थे, साथ में कुछ पर्सनल वर्क्स थे जिसके चक्कर में नहीं बन पाया। होपफुली कल और डिस्टर्ब रहेगा, प्रोबेबली, नहीं तो फिर अब आपके लेक्चर्स रेगुलर हो जाएंगे। हिस्ट्री का भी एक वीडियो बेटा बना पड़ा है जो आपका इंट्रोडक्टरी ऑफ हिस्ट्री है, इसके बाद आपके बेसिक वीडियो लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे उसके भी, तो आज वो शाम तक प्रोबेबली अपलोड हो जाएगा। 2.5 से 3 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करने में टाइम लगा, तो उसके लिए भी बीच में डिस्टर्बेंस हुई थोड़ी बहुत, बट अब हिंदू का एनालिसिस आपका रेगुलर चलेगा तो उसके लिए परेशान ना होइए, सॉरी जो बीच में रुका। बिफोर वी बिगेन देख लीजिए, UPPCS की और IAS की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। 4 जुलाई से नया बैच स्टार्ट है, 2 स्टार्ट हो चुके हैं, और देखिए आपको जनरल स्टडीज़ इंटीग्रेटेड पूरा कोर्स मिलेगा। हाइब्रिड कोर्स है, ऑनलाइन है बेटा, जिसमें आपको व्हाट्सएप और अदर ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू 2 या 3 लोगों को एक साथ पढ़ाया जाता है, पर्सनल आपकी गाइडेंस दी जाती है, 1-1.5 घंटे के बैच होते हैं। आपको जो डाउट होता है आप दोबारा कॉल बैक कर सकते हैं, हमारे टीचर्स को आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप चाहें तो इन IDs पे आप मेल कर सकते हैं, चीज़ें हम आपकी देख लेंगे। चलिए आज है 30 जून, हिंदू एनालिसिस है एडिटोरियल का, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अनलॉक 2 के रूल अनरिवील्ड हुए हैं। देखिए आज हमारी हैबिट्स हो गई हैं थोड़ी सी, जब हमें बदलनी है कि जब से अनलॉक स्टार्ट हुआ है तब से हमने चीज़ों को नॉन सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया है। अब हम सीरियस नहीं है किसी चीज़ के लिए, हम सोचते हैं अरे ठीक है कोरोना ही तो है। नहीं, आपको आज भी 2 गज दूरी का जो है उसके साथ जो मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन करना है, ये सारी चीज़ें आपको हैबिट में डालनी पड़ेंगी। देखिए आपकी कुछ आपकी चीज़ें खुली होंगी, लोगों के बिजनेस खुले होंगे, बट कुछ लोगों के बिजनेस एजुकेशन इसलिए नहीं खुली क्योंकि कोरोना फैल रहा है। आप समझिए कि हर लोग इस पर सब लोग परेशान हैं, जिसमें हम जैसे लोग भी होंगे, तो कोशिश करनी चाहिए कि ऑफलाइन एकेडमी भी जल्दी खुलें, तो अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे तो हम लोग भी अपनी लाइफ में आ पाएंगे। दूसरा, सेपरेट लीडर गिलानी के बारे में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इन्होंने छोड़ दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप जरूर थरली देख लीजिएगा, J&K पॉलिटिक्स है। इसलिए देखिए चाइना और इंडिया में टेंशन चल रही है, आपको पता है 59 ऐप्स बैन कर दी गई हैं, और ये एक अच्छा डिसीजन है जिसमें टिकटॉक जैसी बहुत इंपॉर्टेंट थी, UC ब्राउज़र बहुत लोग देखते थे, हेलो ऐप बहुत लोग देखते थे, तो ये सारी ऐप्स बिल्कुल बंद हैं आपकी, कैम स्कैनर भी वहीं का था, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो अब आपको दिखेगी जो वहाँ से आई थी, तो ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं, तो आपको याद रखना है कि अब इन सब चीज़ों को आप यूज़ ना करें और कोशिश करें गवर्नमेंट की हेल्प करें। बाकी कई ऐसे ऐप्स हैं जो आप इनके जगह पे यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ उन्हें यूज़ करें। गुवाहाटी जो है बेटा फिर से टोटल लॉकडाउन में चला गया। देखिए बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आप लॉकडाउन लगातार कंटिन्यू करते हैं किसी भी स्टेट के लिए ज़रूरी है कि अगर हम लॉकडाउन को स्टार्ट करते हैं तो देखिए लॉकडाउन करने का रीज़न क्या होता है, जब वहाँ पे केसेस बढ़ते हैं और कम्युनिटी नहीं सुनती। मैं कहता हूँ पूरे नेशन में फिर से 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दो, पूरे 1 हफ्ते पूरी कंट्री को कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट कर दो। अगर ये आप कर दोगे तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो स्टार्ट हुआ है वो आपका रुक जाएगा और आपको हेल्प मिलेगी, बट अगर आप नहीं कर सकते तो आपको प्रिकॉशनरी नोट्स लेके चलना चाहिए। तो गुवाहाटी ने जो किया उससे पता चलेगा चीज़ें क्या होंगी। इन्होंने अपनी चीज़ें बंद कर दी हैं, 14 दिन का लॉकडाउन लगा है, 12 जुलाई तक चलेगा, फिर देखते हैं यहाँ पे केसेस कितने कम होते हैं ऑलरेडी। और एक बड़ी चीज़ है कि UP वगैरह में देखें तो केस अभी कैलकुलेट ही नहीं हुए क्योंकि वहाँ पे कुछ किया नहीं गया है। बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इन 24 आवर फिलिस्तीन फेसेस द एक्सटेंशियल थ्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले तो आप इसराइल फिलिस्तीन को समझ लीजिए बेटा, वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, वर्ल्ड वॉर के बाद इसराइल बनना स्टार्ट हुआ, फिलिस्तीन में बहुत सारे ज्विश आए और वो धीरे धीरे यहाँ पर जब आए थे शरणार्थियों की तरह, और धीरे 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 अगर आप ध्यान दें तो आपको ये जान के हैरानी होगी, ज्विश जो बहुत शांत लोग माने जाते हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये ग्रीन एरिया पूरा फिलिस्तीन था इसको धीरे धीरे कवर किया। और देखिए 47 में जब UN पार्टीशन प्लान आया उस टाइम पे इन दोनों को इन्होंने फिलिस्तीन बना दिया और ये पूरा इसराइल हो गया। इसराइल तब भी रहा, अब देखिए इन्होंने यहाँ पे ये वाला एरिया जो था ये 49 से 67 और ये पूरा एरिया कैप्चर कर लिया, ये इनका काम कर दिया, तेल अवीव इनकी कैपिटल हो गई। आज की बात करें तो आज ये एरिया इनके पास है, वेस्टलैंड वगैरह पे भी अभी लड़ाई चली है, उसी के बारे में पूरा एडिटोरियल है। तो देखिए इसराइल लगातार इनको पकड़ता रहा। अभी बीच में और न्यूज़ आई थी इंटरनेशनल रिलेशंस पे, अगर आपको ध्यान हो तो मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। देखिए इनकी कैपिटल जो है वो तेल अवीव है, ठीक है, ये इनकी कैपिटल है, ये आप देखेंगे तेल अवीव है, ये इनकी कैपिटल है, सबके जो हैं एम्बेसीज यहाँ पर हैं, जेरूसलम को ये अपनी टेरिटरी मारते हैं इसराइल और ये भी फिलिस्तीनी भी, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलती है। अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे ख़त्म करें, क्या करें, कैसे ना करें, इस पर लोग लगे हुए हैं। अब जेरूसलम को इसराइल ने कह दिया, हमारा US ने अपनी एम्बेसी भी वहाँ शिफ्ट कर दी, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू आया था इन सब चीज़ों को लेके, इसको भी लोग नहीं समझ रहे थे। अब ये देखिए यहाँ पर 2 तरीके के ग्रुप्स रहते हैं, एक हैं जो चेंजिंग चाहते हैं, वो मॉडरेट हैं, टॉक से बात करना चाहते हैं, दूसरे हैं जो बहुत ज़्यादा हार्श हैं और वो बैटल करना चाहते हैं, तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वर्क करते हैं। बट इसराइल ने जो किया वो सही नहीं है, उस पर स्टैंड ऑफ देने वाली बात है।
तो यहाँ पर एक यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल ने एक मीटिंग बुलाई थी, वर्चुअल मीटिंग, जिसमें कहा गया कि जो आज वाटरशेड मूवमेंट वहाँ पे चल रहा है इसको रोका जाए, और ये जो प्लान बना रहे हैं इसको रोकना जरूरी है इंटरनेशनल कम्युनिटी के थ्रू, और जो इनका वेस्ट बैंक को एनेक्स करने का प्लान है उसको रोकना चाहिए। तो जाहिर सी बात है मैंडेटरी रोल है इन सबका, जिसमें आपका यूनाइटेड स्टेट, रशिया, यूरोपियन यूनियन, इन सबको रोल प्ले करना है। तो देखिए क्या होता है, पता चलेगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज की 67 से जो प्लान है वो कई बार रोल आउट हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, आज बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट भी अपनी टेरिटरी बढ़ाते रहे हैं, बहुत कुछ हुआ है, आज की डेट में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो अब देखना ये कि फ्यूचर में यहाँ क्या होगा, कैसे ह्यूमन राइट वायोलेशन ये करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, जॉर्डन रिवर वाला, मेडिटेरियन सी, ये सब इनके आसपास हैं, इनमें भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स चलती हैं, कि ये अब क्या करेगा, परमानेंट सिक्योरिटी कंट्रोल रखेगा मेडिटेरियन सी और जॉर्डन रिवर पे। अब जाहिर सी बात है इसराइल बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, फिलिस्तीन इतना नहीं है, तो प्रॉब्लम तो रहती है, जो वीक है वो वीक ही रहता है। तो इसराइल ने इंटरनेशनल लॉ के वायोलेशन के लिए कई सारी चीज़ें की हैं, इसराइल हमेशा उसके अगेंस्ट जाता है और प्रॉमिस को अपने तोड़ता रहता है। इसराइल इंडिया के लिए भी बहुत ज़रूरी है, पर हमें ये देखना है, देखिए बेनिफिट की बात करें तो इसराइल से हमें ज़्यादा फ़ायदा है, बट फिलिस्तीन को अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखेंगे तो हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ के लिए, तो पार्शल एनेक्सेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी किसी को नहीं पता, बट करना गलत है, इसको इनको समझना पड़ेगा, नहीं समझेगा तो फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी। वेट एंड वॉच है, चलिए देखते हैं क्या होता है इस चीज़ के लिए। दिल्ली को सोचना है कि वो क्या करेगा, कैसे अपनी चीज़ों को कंट्रोल करेगा, क्या समझेगा, कैसे करेगा। तो अब उसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप भी मिली हुई है, तो इसे रेजोल्यूशन के लिए सपोर्ट करना चाहिए, फिलिस्तीन को कोशिश करनी चाहिए भाई, अपने कमिटमेंट्स भी इसे पूरे करने चाहिए। इसके बाद बेटा क्राइसिस ऑन हंगर, वन राशन, वन नेशन वन राशन कार्ड पर है। अब इसमें था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ PDS चलता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है, अगर आप कभी ध्यान देंगे तो हम PDS के थ्रू वर्क करते हैं बेटा। तो PDS जो है वो हमारे यहाँ सिर्फ काम नहीं कर सकता, PDS में जाहिर सी बात है कहीं पर राशनिंग की अलग टैलेंट है, कहीं पर PDS सिस्टम अलग चलता है। तो अगर वन राशन वन कार्ड की हम बात कर लें तो हमारा फ़ायदा होगा, तो वन नेशन वन कार्ड की बात चल रही है। देखिए अच्छा अप्रोच है, बट ये कब फुलफ़िल होता है इस पे डिपेंड करता है, आप आधार लिंक भी कर सकते हो, ऑप्शन बहुत हैं, बट ये चीज़ें कब होंगी ये हमें पता नहीं, अभी देखते हैं। लेजिटिमेट कंसर्न बेटा नागा पीस अकॉर्ड के बारे में है, नागा पीस अकॉर्ड के लिए आपको मैं एक स्पेशल लेक्चर बना के दूंगा, तो इसको हम उस पर ख़त्म कर देंगे, ये चीज़ें आपको वहाँ से समझ में आ जाएंगी और ये आप वहीं से पकड़ लीजिएगा। कस्टियल क्राइम्स जो हैं, कस्टोडियल क्राइम्स आपने अभी रिसेंटली देखा होगा, वुमेन के लिए एक चीज़ आई थी, उसके बाद साउथ में एक लड़का और एक उसके फादर की डेथ हो गई थी, इसके बाद बीच में अभी एक रेप केस हुआ था तो उसमें एनकाउंटर कर दिया था पुलिस ने उन दोनों का, वो भी कस्टोडियल क्राइम्स में ही आता है। तो ये सारे डेटा दिए गए हैं कि पुलिस के पास ही राइट्स हैं कि नहीं, क्या हमारे पास जो जुडिशियल राइट्स हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमारे पास रिट्स के राइट क्यों दिए गए अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो इन सब के क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर हमें इससे मिलेगा। तो एक बार इसे आप देखिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस इसके लिए आ सकते हैं। कॉशियस बट फर्म, ये बेटा इंटरनेशनल रिलेशन पे, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के ट्राइंग पे। देखिए पाकिस्तान के साथ भी हमें रिलेशन अच्छे रखने हैं, अगर हम चाइना से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके हर चीज़ बैन कर रहे हैं, तो हम अपने अदर नेबर्स के साथ भी पॉजिटिव हों, वरना अगर जो इसके साथ पॉजिटिव होगा चाइना के साथ होगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, तो हमें बहुत सोचना है। तो उस पर है कई, हम इंडिया चाइना और पाकिस्तान के वो पढ़ चुके हैं इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक डेटा शेयर करने की बात है, यहाँ पर कई चीज़ें बेटा देखिए, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मुझे समझ में आता है, अभी ये बताइए COVID-19 के केसेस यूपी बिहार में क्यों नहीं बढ़ रहे। आप सिर्फ ये देखिए क्या कहीं पर भी ऐसा हो रहा है कि कहीं पे भी आज COVID-19 के केस की जांच हो रही हो नहीं हो रही, जब कहीं बेटा जांच ही नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी, तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। तो COVID-19 के अगर केसेस की आप जांच ही नहीं करेंगे तो आपका डेटा बिल्कुल गलत रहेगा, ख़राब रहेगा, उसको आप कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए हम इनके केसेस को कैसे टैकल करेंगे, कैसे इसे आगे बढ़ाएंगे। तो कई डेटा है, जैसे FIR की बात करें, आप जाएंगे तो FIR नहीं होते, मोबाइल चोरी होता है तो कहते भाई एप्लीकेशन दो, FIR नहीं करेंगे, रीज़न है वो क्राइम में आ जाएगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में, इस एरिया में इतने मोबाइल चोरी होते, इतनी बाइक चोरी होती, इतनी कार चोरी होती, इतने सिम निकलते हैं, इतनी बैंक रॉबरी होती है, तो लोग FIR लिखते नहीं, FIR बहुत मुश्किल से लिखी जाती है। वैसे अगर आप डेटा टाइमली नहीं देंगे तो बाहर सी बात है, आप डेटा नहीं देंगे तो आप सिक्योरिटी को आज नहीं तो कल हरेस कर ही रहे हैं, तो आप उस सिक्योरिटी पे ध्यान देने के लिए प्रॉपर डेटा बनाइए। आसपास जो केसेस ऑटोमेटिकली निकल रहे हैं, आप जांच नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम होगी, इनसे रिलेटेड चीज़ें आप करिएगा। उसके बाद देखिए मेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इंडिया शिफ्टिंग एक्सेस विद नेबर्स फर्स्ट टू वेस्टर्न कंट्रीज़। देखिए आज हम नेबर फर्स्ट की आइडियोलॉजी को छोड़ते हैं कि हमारे आसपास के नेबर्स हमारे साथ अच्छे नहीं है, तो हम वेस्टर्न कंट्रीज़ या क्वाड रिलेशंस में जुड़ रहे हैं, तो क्या सही मूव है, क्रिटिकली से एनालाइज करिए और इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में इससे रिलेटेड चीज़ें बताइए। इस पर आप 250 वर्ड लिख के मुझे दीजिए, शायद इससे आपको भी बेनिफिट होगा और आपका फ़ायदा ही होगा। और दूसरा, आज का लेक्चर हम छोटा ही रख रहे हैं, कल के बाद हम प्रोबेबली रेगुलर लेक्चर अच्छे और ठीक से बनाएंगे।
जब तक इतने दिनों की छुट्टी के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, फ्यूचर में हम ध्यान रखेंगे इतना गैप ना हो। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।